हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटल प्योर लाइफ। आई एम सुष्मिता। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो शादी और फेस्टिव सीजन आ रहा है और हर कोई चाहता है कि उनसे आके पूछे कि आपके ये ग्लास लाइक ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। अगर आप भी चाहते हो यही ग्लास लाइक ग्लोइंग स्किन, वो भी घर के इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में लेके आ गई हूँ घर के इंग्रेडिएंट्स से ग्लास लाइक ग्लोइंग स्किन पाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल में 1 टीस्पून ग्राउंड फ्लावर यानी कि बेसन, फिर पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून कर्ड यानी कि दही, 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हमें चाहिए कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी। इसके बाद इस पेस्ट को अपने फिंगर की मदद से फेस पर लगा लेना है। फेस पर लगाने से पहले अच्छे से एक बार फेस को क्लीन ज़रूर करें क्लींजर से, क्योंकि चेहरे पे कोई भी डर्ट नहीं होना चाहिए। अगर डर्ट होगा तो कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। अपने पूरे फेस पर लगाने के बाद सर्कुलर मोशन पे आपके फेस को मसाज करना है कुछ ऐसे। सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद आपको एक और लेयर लगा लेना है उसके ऊपर। इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है। जब आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है, तभी आपको ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। फिर एक क्लीन टॉवल की मदद से अपने चेहरे को ड्राई कर लेना है। फिर तुरंत हमें गुलाब जल या फिर टोनर लगा लेना है। टोनर हमारे फेस के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। फिर टोनर लगा लेने के बाद हमें तुरंत ही मॉइस्चराइज़र भी लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारा स्किन हाइड्रेट होता है, क्योंकि किसी भी फेस पैक लगाने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको 5 to 7 days रोज़ करने के बाद आपको अपने स्किन में एक ग्लास जैसा शाइन देखने को मिलेगा और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और आप भी फील करोगे कॉन्फिडेंट। तो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।